हम जो डेली खाना खाते हैं उसमें कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिसमें टॉक्सिक यानी विषाक्त घातक होते हैं। ज्यादातर जो फ्रूट्स और सब्जियां जमीन में से उगते हैं उनमें विषाक्त घातक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इन सब्जियों को देख के पता नहीं चलता है कि ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। जैसे कि पोटैटो, इस सब्जी का इस्तेमाल काफी सब्जियों में होता है। कुछ लोगों को पोटैटो काफी पसंद भी होता है। अब इस सब्जी में कोई हानिकारक चीज नहीं होती है, लेकिन अगर आप थोड़ा ग्रीनिश कलर का पोटैटो खाएंगे तो वो हानिकारक होता है, क्योंकि ग्रीन पोटैटोस में ग्लाइकोएल्केलॉइड्स नाम का सब्सटेंस होता है जिस कारण पोटैटो ग्रीन दिखता है। हाई ग्लाइकोएल्केलॉइड्स वाले पोटैटो खाने से डायरिया, वॉमिटिंग, पेट दर्द जैसी तकलीफें हो सकती है। इसके सिवा कुछ और फूड आइटम्स भी ऐसे हैं जिनमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस है जिस कारण वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। देखते हैं अब इस वीडियो में कौन से फूड टॉक्सिक होते हैं। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आस्क आई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नटमेग जैसे जायफल भी कहते हैं, ये एक इंडियन स्पाइस है जिसका इस्तेमाल स्वीट्स बनाने में या बेक्ड फूड आइटम्स में होता है। नटमेग का टेस्ट और एरोमेटिक फ्लेवर काफी अच्छा होता है, लेकिन अगर जायफल सिर्फ 2 टीस्पून भी खाएंगे तो उसका नशा चढ़ने जैसा असर होता है, क्योंकि जायफल में मिरिस्टिसिन ऑयल होता है जिसका बहुत ही पावरफुल असर होता है। इसीलिए ज्यादा जायफल खाने के बाद चक्कर, नींद आना जैसे साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। रॉ किडनी बीन्स। बीन्स में काफी वैरायटीज आती है, उसमें से रॉ किडनी बीन्स यानी राजमा में लैक्टिन सब्सटेंस की क्वांटिटी ज्यादा होती है, और ये लैक्टिन सब्सटेंस हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होता है जिस कारण पेट दर्द, वॉमिट और डायरिया जैसी तकलीफें होती है। सिर्फ 4 से 5 राजमा खाने से भी आपको ऐसी तकलीफें हो सकती है। राजमा में से लैक्टिन सब्सटेंस का असर कम करने के लिए बेस्ट तरीका है उसे बॉईल करके खाइए। बॉईल राजमा खाने से कोई तकलीफ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मशरूम्स ज्यादातर जंगल में पाए जाते हैं जिसमें काफी अलग टाइप के मशरूम्स आते हैं। इसमें से कुछ मशरूम्स खाने के लिए सेफ होते हैं और कुछ पॉइजनस भी होते हैं, और आजकल मशरूम का इस्तेमाल काफी फास्ट फूड्स में भी किया जाता है। पॉइजनस मशरूम्स खाने से पेट दर्द, लिवर फेलियर, डायरिया और वॉमिटिंग जैसी तकलीफें होती है। एप्पल सीड्स। एप्पल तो हम काफी बार खाते हैं और ये एक हेल्दी फ्रूट भी है। एप्पल हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, पर एप्पल के सीड्स घातक हो सकते हैं। आप सोचेंगे कि कभी कभार एप्पल के साथ उसकी सीड भी खा लेते तो उससे कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि एप्पल सीड्स में प्रोटेक्टिव कोटिंग होता है जिस कारण साइनाइड नाम का सब्सटेंस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता नहीं है। लेकिन हर बात की जानकारी होना अच्छा है, इसीलिए एप्पल सीड्स खाना अवॉइड करें। तो ये थे कुछ फूड जिनमें टॉक्सिक सब्सटेंस होने के कारण हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक होते हैं। इसीलिए आप इनमें से कोई भी फूड खाएं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें जो हमने बताए हैं, जिससे आप आगे होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इससे जुड़ी और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।